नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग मैं सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके और साइंस। ठीक है, अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट जो 20 नंबर का आएगा, क्योंकि सारे सारे 5 सब्जेक्ट 20 नंबर के ही आते हैं, तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। बाकी का आपको 5 सब्जेक्ट कौन कौन से और कैसे आते हैं वो आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो, वो मैंने उसको आपको उसमें पूरी क्लियर किया है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। इसमें हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपको लूसेंट बुक आती है हिंदी के नाम से, हिंदी की लूसेंट की किताब आती है, वो आपको लेनी है। और उसमें जो विषय सूची दी है, आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपको ये विषय आपको व्याकरण के वगैरह आपको दिखेंगे। तो आप में इसको जो सबसे पहले जो दोस्तों दिया है, जैसा कि तो उसमें मेरे प्यारे साथियों आपको शुरुआत देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप दिया है वर्ण विचार, उसमें वर्णमाला, वर्तनी और संधि आपको दिया है। लेकिन आपको शुरुआत करनी है पढ़ाई के पढ़ने के लिए, वो करनी है आपको बी ऑप्शन से। उपसर्ग प्रत्यय समास थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, संज्ञा के अवयव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के एक अर्थ और रिक्त स्थान की पूर्ति। दोस्तों ये आपको सबसे पहले ये कंप्लीट करने हैं। इसमें आप समाज को थोड़ा सा बाद में कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो हैं ये सबसे आपको पहले पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब हिंदी की जो किताब दी है उसमें ये टॉपिक दिए हैं, उसके बाद आपको इनके ऑब्जेक्टिव उसी किताब में दिए हैं, वो आपको लगाने हैं। उसके बाद मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट दोस्तों वाक्य भेद, उसमें दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको बहुत अच्छे से पढ़नी, क्योंकि ये इसके इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मुहावरे जो करती हैं आपको, ये वाला तो मतलब ये सारे के सारे आपको करने हैं, कहाँ तक, 17 तक, ठीक है। आपको 17-18 तक ही आपको ये कंप्लीट करने हैं। कहाँ से दोस्तों, ये करने हैं आपको 5 से 18 तक, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए, फिर आपको दोस्तों यहाँ से पढ़नी है आपको क्या, वर्तनी वगैरह। उसके बाद आपका टाइम बचता है, जो कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वर्णमाला से उसका संधि आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको, ये तीन जो हैं दोस्तों 2, 3 और 4, ये आपको बाद में पढ़ने हैं। और जो पहले नंबर का है ये आपको दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आपके बहुत ना कभी नहीं आते, मेरे हिसाब से कभी नहीं आते। और आएंगे तो दोस्तों एग्जाम के टाइम में आपको कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, आपको वही मात्र पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी आपके कोई मतलब का नहीं है, तो आपको दोस्तों पढ़ना है 2 से लेकर 21 तक, और पढ़ना किस क्रम में है, पहले दोस्तों आपको पढ़ना है 5, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से आपको शुरू करना है 5 से पढ़ते 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 आपको 18 तक आना है, ठीक है, 18 तक। उसके बाद में आपको फिर ऊपर जाना है, उसके बाद आपको 2 पढ़ना है, उसके बाद आपको 3 पढ़ना है, उसके बाद आपको 4 पढ़ना है। उसके बाद कहीं जाकर आपको दोस्तों ये छंद वाला ऑप्शन, जो कि पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना, क्योंकि पी भी व्यापम पर किसी का भरोसा नहीं है, ठीक है, किसी को उस पर भरोसा नहीं है। उसके बाद ये शब्द खंड वगैरह ये आपकी पर में नहीं आते। अब दोस्तों इसके बाद में आप ये जो बुक है, आप चाहो तो लूसेंट हिंदी करके आप जब प्ले स्टोर में डालोगे तो आपको पूरी PDF में ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं मिलती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। अब दोस्तों आप जिसको देखना है वीडियो आगे देखें, मैं जो पुराना जो 2017 में पेपर हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, उसके कुछ क्वेश्चन हिंदी के मैं 20 के 20 क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा पूरी पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। अभी मात्र डिस्प्ले करूँगा, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं देख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों देखते हैं कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।